हाय फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने क्ले चिप्स ले लिया है बहुत सारा। और देखिए मैंने अपना हाथ बहुत अच्छी तरह से धो के आई हूँ, तो सैनिटाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने पानी से बहुत अच्छी तरह से हाथ धो लिया है, क्योंकि इस तरह के वीडियो ना खाली हाथ में बनाने में अच्छा लगता है। पानी में मेरा पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्ले चिप्स जो है वो ये हैं, पूरा रॉ क्ले से बना। मैं आज इनका डिफरेंस आपको दिखाऊंगी, क्योंकि इसका बनावट से भी इसका टेस्ट में डिफरेंस आता है, तो अच्छे से दिखाना पड़ता है। क्ले चिप्स बहुत सारे ऑर्डर करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनका टेस्ट कौन सा है, उनको कैसी चीज़ पसंद आती है। तो क्ले चिप्स जाने के बाद उनको लगता है यार ये तो अच्छा नहीं है। तो ये देखिए, ये क्ले चिप्स जो है ये पूरा रॉ क्ले से बना हुआ है, मतलब इसमें कोई भी स्लेट क्रम्बल्स कुछ भी मिला नहीं है। और ये भी स्लेट चिप्स है, इसमें भी कुछ मिला नहीं है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। मतलब देखिए इसका साइज डिफरेंस देखने से आपको पता चलेगा, ये जो बिग साइज में है ना क्ले चिप्स, ये थोड़ा हार्ड है। मतलब इसको ये क्रंची है, और इसको बनाने के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रोस्ट किया गया है। इसका साउंड देखिए और इसका साउंड देखिए, दोनों में फ़र्क है, तो मुझे तो सेम ही लगा। और ये है स्लेट पाउडर मिक्स्ड स्लेट चिप्स। देखिए दोनों का बनावट आपको अलग लगेगा, ये स्लेट पाउडर है और ये है सिर्फ क्ले से बना। तो ये दोनों ही अर्दी है, लेकिन आपके टेस्ट के हिसाब से आपको अच्छा लग सकता है कौन सा बुरा। तो आज हम इन सभी को पानी में डाल के इनका अर्दीनेस आपको दिखाएंगे, कितना अर्दी है या नहीं। देखिए गिरकी टूट गया है, तो उसको उठाने का कोई मतलब नहीं है। मैं दिखाती हूँ, देखिए ये है स्लेट पाउडर से बना क्ले चिप्स, और ये है रॉ क्ले, और ये है जो बिग साइज हार्ड वाला। देखिए हम तो सभी थोड़े थोड़े पानी में डाल रहे हैं। देखिए पानी में डालने के बाद इसमें से एक बहुत अजीब सी आवाज़ भी आ रही है, और इसका स्मेल भी बहुत अच्छे आ रहा है, क्योंकि ये नए बनवा के आए हैं। देखिए ये रॉ क्ले से बना हुआ जो है, इनका टेक्सचर देखिए, ये पतला है और फ्रेंड्स हमारे क्ले पॉट का कोई भी अपडेट हमारे जो दूसरे चैनल है उस पर सबसे पहले आपको मिल जाएगा, क्योंकि ब्रोकन क्ले पॉट या मिनी ग्लास जो भी है उसका अपडेट हमने पहले वहाँ पे वीडियो डाला है। तो ब्रोकन क्ले पॉट क्या होता है, उसका स्टॉक जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो हमने वहाँ पे अपडेट दिया है। और यहाँ पे भी हम आपको बोल रहे हैं कि उस चैनल से आपको सभी चीज़ का अपडेट बहुत जल्द ही मिलेगा, उसके बाद इस चैनल में आता है। और ये है स्लेट से बना, देखिए दोनों का आपको इसमें भी देखिए अजीब सा साउंड आ रहा है, और हम इसको तोड़ के भी आपको दिखाते हैं कि ये अंदर से क्या है। देखिए दिखा देते हैं, तोड़ लिया है, ये देखिए इसमें स्लेट पाउडर मिला हुआ है। और अगर आपके पास पार्सल पहुंचता है तो उसके बाद इसको अच्छे से ना पानी से धो लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है पहले तो इसमें राख लगा होता है, मतलब कोयले का राख होता है, तो उससे कभी कभी इसका टेस्ट बिटर लग सकता है। तो आप इसको अच्छे से पानी में धो के उसके बाद इसको धूप में रख दीजिएगा, तो आपको अच्छा टेस्ट लगेगा। ये रॉ क्ले से बना है, देखिए इसका कलर कितना रेड है, और ये थोड़ा दूसरे टाइप का है। देखिए इसमें आपको दिख रहा है,
और मैं इसको अभी पानी से उठा के यहाँ पे रखूँगी, मैं आपको दिखाती हूँ। देख रहे हैं क्या अजीब सा एक साउंड आ रहा है। ये रॉक क्ले से बना हुआ जो क्ले पॉट है, क्ले चिप्स है सॉरी, और ये स्लेट आइटम से बना हुआ क्ले चिप्स। मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक दे दूंगी, जो मेरा दूसरा चैनल है उसका, तो आपको वहाँ पे सभी का अपडेट मिल जाएगा सबसे पहले। अभी ये पानी में डालने के बाद इसको आप सुखा लीजिएगा ऐसे, उसके बाद इसका क्रंच कीजिएगा तो आपको अच्छे से टेस्ट भी लगेगा। देखिए, और मैं अभी इसका क्रंच वीडियो भी बनाऊंगी। ये स्लेट आइटम से बना हुआ जो है वो तो मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, मैं यहाँ से अपने लिए इसको उठा लेती हूँ। मेरा जो खुद का स्टॉक है उसको भी मैं लाऊंगी, क्योंकि वो एकदम आर्दी वाला स्टॉक है। मैं दिखाती हूँ, मैंने स्लेट पाउडर मिला हुआ लिया है क्योंकि मुझे वो पसंद है ज़्यादा। देखिए, इसका साउंड बहुत सॉफ्ट है, मतलब ये हार्ड नहीं है। मुझे कोई भी चीज़ पानी में डाल के अच्छा लगता है। बाय फ्रेंड्स।